एक व्यवसायी जिसकी फैक्ट्री है यहाँ थाना फेज टू क्षेत्र में, वो वापस जा रहे थे, दिल्ली में रहने वाले हैं डिफेंस कॉलोनी के, तो उनकी गाड़ी पर गोली चलाई गई थी। घर जाकर के देर रात उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने तहकीकात शुरू की। अगले दिन तक वो भी सामान्य मान रहे थे, लेकिन उन्हें फिर एक फ़ोन से धमकी दी गई थी 2 करोड़ रुपए के लिए, और उसी के पीछे पुलिस की टीम ने इनका पीछा कर लिया। 2 बदमाश जिनके पैर में गोली लगी, अभी अस्पताल से उनका नाम पता तस्दीक हो गया, आज़ाद और विकास हैं, ये दोनों बागपत के रहने वाले हैं। तीसरा एक बदमाश पुलिस की गिरफ्त में पकड़ में आया है, संजू नाम का, ये भी बागपत का है। तो इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार इस व्यापारी का एक ड्राइवर है, अरविंद नाम का। हमारी टीमें तत्काल अरविंद की तलाश में भी चली गई हैं, उसका कुछ अड्डे उस संजू ने बताए हैं, हो सकता है उन अड्डों तक हम रात तक उसे भी पकड़ लें।